हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस फाइबर ऑप्टिक्स। तो जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स किसने दिया? नरेंद्र सिंह कपानी ने सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक्स दी। इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है? फ्लेक्सिबल केबल होती है। केबल होती है जिससे हम क्या करते हैं, सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। यानी कि सिग्नल को भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। ये कितनी थिन होती है? ह्यूमन हेयर के बराबर थिन होती है। और इसमें हम सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। ये TIR किस पे बेस्ड होती है? इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? TIR, टोटल। TIR को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। तो ये क्या हो गई? ऑप्टिकल फाइबर किसने दी? नरेंद्र सिंह कपानी ने दी। इन्हें हम फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। और ये किसके काम में आती है? इसका हम यूज करते हैं सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने पर। ये ह्यूमन हेयर के बराबर पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट फॉलो द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स इज ह्यूमन हेयर थिन सिलेंड्रिकल शेप। फाइबर ऑप्टिक्स इज ह्यूमन हेयर थिन सिलेंड्रिकल शेप केबल विच गाइडेड द सिग्नल टू प्रोपोगेट थ्रू इट। इट इज गिवन, इट इज मेड ऑफ ग्लास और पॉलीमर। इसे किससे बनाते हैं हम? ग्लास और पॉलीमर से बनाते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में दो नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि भाई फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज ह्यूमन हेयर थिन सिलेंड्रिकल सेफ फाइबर या केबल विच गाइडेड द सिग्नल टू प्रोपोगेट थ्रू इट बाई फॉलोइंग द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज मेड ऑफ पॉलीमर और ग्लासेस। इसमें जो अब यह तो हमारे हो गया फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बेस किस पर है? TIR पर बेस है। किस पर बेस है? TIR। तो TIR को बेस, सिग्नल को TIR को समझने के लिए पहले हम TIR डिस्कस करते हैं। हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल नंबर, क्योंकि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? टोटल इंडक्शन, टोटल नंबर वन कंडीशन है डेंसर टू रेयर। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है कहां से जानी चाहिए? डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। नंबर टू, जिस एंगल पर हो रही है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? थीटा सी। थीटा सी क्या है यहां पर? क्रिटिकल एंगल। यानी कि TIR को फॉलो करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, हमें पास दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी TIR हुआ। वो कौन सी है? कि रे हमारी डेंसर टू रेयर में जानी चाहिए और क्रिटिकल एंगल जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो सरफेस में एंगल पे, जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है वो क्रिटिकल एंगल से बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल का एंगल क्या होता है भाई? अभी हम दो बात डिस्कस करते हैं। मान लो ये रेयर है और ये डेंसर है। हमें पता है जब कोई लाइट रेयर, ये एंगल कहलाता है आपका थीटा आई, रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर की तरफ जाती है? नॉर्मल की तरफ हो जाती है। ये थीटा आर, थीटा आर। लेकिन जब यही लाइट डेंसर से डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये तो सबको पता है। तो ये दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ आती है और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। जब धीरे धीरे हम एंगल को, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो एक कंडीशन वो आती है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट रिफ्लेक्टेड होकर कहां पर आ जाए? इस पर आ जाए। यानी कि ये एंगल थीटा कितना हो जाए आपका? 90 हो जाए। यानी कि ये लाइट यहां से हमने एक एंगल पर डाला, धीरे धीरे ये पहले कहां जा रही थी? यहां जा रही थी। फिर धीरे हमने और एंगल बढ़ाया, ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ते 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 एक कंडीशन आ गई कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90, और लाइट ऐसे चलने लगी। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को, थीटा आई को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्या बोलते हैं? हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए आपका? 90 हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही अगर ये क्रिटिकल एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी हो गया, अब जैसे ही इससे और एंगल बढ़ाओगे
ये एंगल हो गया थीटा वन विच इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो लाइट क्या होगी इसी मीडियम में क्या होगी भाई 90, थीटा सी से तो 90 तक यहां तक आ चुकी है, लेकिन जैसे ही एंगल आपने बढ़ाया तो लाइट क्या होगी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, डेंसर से गई थी और डेंसर में ही वापस आ गई। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम टी आई आर। तो कंडीशन टी आई आर के लिए क्या कंडीशन होगी कि लाइट डेंसर से कहां जानी चाहिए रेयर में जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट या तो थीटा सी हो, अगर थीटा सी भी है देखो थीटा सी भी है तो किसमें चल रही है ये डेंसर और रेयर के इंटरफेस में चल रही है, इसमें चल रही है तो क्या है लगभग रिफ्लेक्टेड ही है, या तो वो थीटा सी के बराबर हो और थीटा सी से ज्यादा है तो उस मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये हमें क्रिटिकल एंगल क्योंकि इसमें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे टी आई आर को जब फॉलो करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए बेसिक इसका कि टी आई आर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल क्या है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90, और जैसे 90 हो और 90 से ज्यादा करोगे तो उसी मीडियम में क्या होती है लाइट वापस आ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सारी की सारी लाइट क्या हुई हमारी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्टेड हो गई। क्लियर है भाई। तो ये था हमारा बेसिकली टी आई आर। तो हम बात कर रहे थे अब फाइबर ऑप्टिक्स की। तो फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो नंबर में पूछा भी जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो दो नंबर में पूछ लेता है टी आई आर। तो फाइबर ऑप्टिक्स अगर दो नंबर में आता है तो क्या डिफाइन फाइबर ऑप्टिक्स, तो आप क्या लिखोगे फाइबर ऑप्टिक्स इज ह्यूमन हेयर थिन सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब या केबल या फाइबर विच गाइडेड द सिग्नल टू प्रोपोगेट थ्रू इट बाय फॉलोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय फॉलोइंग टी आई आर। इट इज मेड ऑफ ग्लास और पॉलीमर। किसकी बनी होती है ग्लास और पॉलीमर की। अब हम बात करते हैं भाई हमारे पास सिग्नल को भेजने के लिए हमें पता चल गया कि फाइबर ऑप्टिक्स किसके लिए है सिग्नल को। हम पहले की बात करते हैं कभी हम किसका यूज करते थे ट्विन पैरेलल का यूज करते थे, ट्विन पैरेलल में क्या था ट्विन पैरेलल आपने देखा होगा जो पुराने जमाने के एंटीना यूज करते थे तो उसमें एक दो वायर पैरेलल आते थे जिसको हम टीवी से कनेक्ट कर देते थे, इस तरह से दो एक केबल होती थी उसमें क्या होते थे दो वायर होते थे सीधा हम एंटीना से कनेक्ट करके उसको टीवी से कनेक्ट कर देते थे तो उसको हम बोलते थे एक केबल हो गई जो कि हम जिससे हमें सिग्नल मिल रहा है। क्लियर है। अब आजकल जो हम टीवी में यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। आजकल हम कौन सी केबल यूज करते हैं कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। कौन सी केबल का यूज करते हैं हम कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल आपने देखी है जो टीवी में आजकल हम डिस्क को कनेक्ट करते हैं, देखे जो डिस्क को कनेक्ट करते हैं क्या करते हैं उसमें देखा होगा आपने एक छोटी सी अंदर एक सिल्वर ये होती है उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट होता है और सबसे ऊपर एक ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक्स भी तीन पार्ट से मिलकर बनी है। इस इनर पार्ट को हम बोलते हैं कोर, इस आउटर पार्ट को बोलते हैं हम क्लैडिंग और ये आउटर मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं सीथ या जैकेट। क्या बोलते हैं हम सीथ और जैकेट। तो जो आपने मैंने एक जनरल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है कि जो आप आजकल पहले जो टीवी में यूज करते थे उसे ट्विन पैरेलल बोलते थे, वो दो एक केबल लाइट वायर होता था उसमें दो दो वायर आ जाते थे उसे हम टीवी से कनेक्ट कर देते थे एंटीना से कनेक्ट करके, लेकिन आजकल जो हम टीवी में यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल को अगर आप देखा होगा जो टीवी में कनेक्ट करते हैं क्या होता है अंदर एक सिल्वर का वायर होता है ये उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट होता है उसे क्लैडिंग और ये ऊपर क्या होता है जैकेट। तीन पार्ट में बनी होती है। ऐसे ही हमारी फाइबर ऑप्टिक्स भी कितने पार्ट कंसीडर करती है तीन पार्ट कंसीडर करती है कोर क्लैडिंग और जैकेट। तो हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज कोर व्हाट इज क्लैडिंग एंड व्हाट इज जैकेट। ठीक है, तो हमने पहले फाइबर ऑप्टिक्स की डेफिनेशन दी थी फिर हमने लिखा इट कंसिस्ट थ्री पार्ट, नंबर थ्री कोर, नंबर टू क्लैडिंग और नंबर थ्री सीट और जैकेट। क्लियर है। तो एक फाइबर ऑप्टिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें कितने फाइबर ऑप्टिक्स के कितने पार्ट होते हैं हमें पता होना चाहिए कितने पार्ट होते हैं, कोर होता है क्लैडिंग होती है जैकेट। सबसे पहले बात करते हैं हम कोर की। तो कोर जो है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी, जैसे वो जो कोएक्सियल केबल में हम जो डिस्क वाली केबल है जो केबल का हम यूज करते हैं उसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है
उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इनर पार्ट क्या बोलते हैं हम, कोर। ये किसका बना होता है, ये ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है, ये ग्लास का, एक सिलेंड्रिकल शेप का। इस तरह से हम क्या बना देते हैं, ये कोर बना देते हैं। ये हमारी क्या होगी, कोर होगी। ये किसकी बनी हुई है, ये ग्लास की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है भैया, ग्लास की बनी हुई है। इसकी डायमीटर, इसकी डायमीटर हम कितनी लेते हैं, इसकी डायमीटर हम लेते हैं 50 माइक्रोमीटर। इसकी डायमीटर लगभग कितनी होती है, 50 माइक्रोमीटर की होती है। अब 50 माइक्रोमीटर की इसकी डायमीटर होती है। एक ग्लास, एक किसका बना होता है, एक ग्लास का बना होता है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेके चलते हैं हम, N1। और ये होगी आपकी कोर। तो कोर इनर मोस्ट पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ग्लास का बना होता है। इसकी शेप क्या होती है, इसकी डायमीटर क्या होती है, 50 माइक्रोमीटर की होती है। इसमें सिग्नल आपके प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। और इसमें ही कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, जब सिग्नल इसमें चलेंगे तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, TIR, यानी कि TIR की कंडीशन कहां फॉलो होती है आपकी, कोर में। तो आगे से ये इस तरह से, तो ये आपकी क्या होगी, कोर होगी। तो नंबर वन हेडिंग डालेंगे कोर। तो कोर इज मेड ऑफ ग्लास हुज डायमीटर इज 50 माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1। इट कैरी द सिग्नल थ्रू इट बाय फॉलोइंग टी आई आर। ये किसके बराबर में हो, बारे में हो गया, कोर के बारे में हो गया, ठीक है भाई। अब आता है क्लैडिंग। तो जब क्लैडिंग को डिस्कस करते हैं, क्लैडिंग क्या है, क्लैडिंग इसके आउटर मोस्ट पार्ट है। क्लैडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास कोर हो गया, कोर में सिग्नल चल रहे हैं। जब मैंने इस पे सिग्नल डाला, मान लो ये एक्सिस है, मैंने यहां पर एक सिग्नल डाला, ये सिग्नल जाकर इस एक्सिस से टकराया, इस ए पॉइंट पर सिग्नल टकराया। अब सिग्नल टकराया तो एक पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, और एक पार्ट क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टेड होगा, दूसरे मीडियम में चला गया, ट्रांसमिटेड होगा। तो ये ट्रांसमिटेड होगा जब पार्ट, तो यहां पर क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया। एक पार्ट इसका क्या हुआ, इस लाइट सिग्नल का, जो आपने लाइट सिग्नल दिया, ये सिग्नल इस पर डाला, एक सिग्नल का एक पार्ट तो रिफ्लेक्टेड इसी वायर में हो गया, अनदर पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिटेड। फिर ये आगे जाएगा, आगे जाकर यहां टकराएगा, यहां पर फिर होगा, और एक पार्ट इसका ट्रांसमिटेड हो जाएगा। यानी कि लगातार सिग्नल का क्या होगा, हमारा लॉस होगा। जो सिग्नल हमने दिया वो सिग्नल हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसमिशन को या रिफ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए हम क्या करें कि अगर ये N1 है, ये वाला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो हम एक ऐसा मटेरियल लगाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम हो, जिससे इसका कम हो। यानी कि ये कैसे बिहेव करे, ये डेंसर की तरह बिहेव करे। और ये कोर, यानी कि कोर कैसे बिहेव करे आपकी, डेंसर की तरह बिहेव करे। और क्लैडिंग जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है, क्लैडिंग कैसे बिहेव करे, यानी कि इसका N1 है, तो क्लैडिंग का हम क्या लेंगे, N2 लेंगे, और इस तरह से लेंगे कि N1 ग्रेटर देन N2। यानी कि हमने एक ऐसा मटेरियल बनाया, ऐसा सबस्टेंस बनाया, ऐसा मटेरियल बनाया जो इसके चारों तरफ लपेट ना आए हमें, जो इसको कवर करे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, N2 हो, और N1 से क्या हो, कम हो। क्यों, अगर यहां पर हमने एक ऐसा मटेरियल लगा दिया, ये हमने इसके चारों तरफ एक मटेरियल लगा दिया, क्लियर है भाई, इसे मैं रख सकता हूं। यहां पर मैंने एक मटेरियल लगा दिया, इसे मैंने क्या नाम बोल दिया, क्लैडिंग। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2। इधर भी क्या है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2। यानी कि मैंने कोर के दोनों तरफ एक ऐसा मटेरियल लगाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2, और क्लैडिंग से। अब ये कैसे बिहेव कर रहा है, डेंसर की तरह, और ये कैसे बिहेव कर रहा है आपका, रेयर की तरह। तो जब लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या तो क्रिटिकल एंगल होगा या उससे बड़ा होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट या तो थीटा सी होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या तो आपका थीटा सी होगा या थीटा सी से बड़ा होगा, तो पूरा का पूरा सिग्नल क्या होगा, इसी में वापस आ जाएगा, यहां पहुंचेगा,
यहां पर टकराएगा। अब ये एंगल या तो क्या होगा थीटा सी होगा या थीटा सी से बड़ा होगा, फिर से टी आई आर को फॉलो होगा। तो विद मिनिमम लॉस जो हमने सिग्नल दिया था वही सिग्नल हमें क्या मिलेगा आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि विद मिनिमम लॉस जिस जो सिग्नल हम दे रहे हैं टी आई आर को फॉलो करते हुए वो सिग्नल हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लैडिंग का काम क्या है, क्लैडिंग का काम यहां पर क्या है, क्लैडिंग का काम यह है कि ये टी आई आर को फॉलो करा रहा है। क्या करा रहा है, टी आई आर को, अगर ये ना हो तो क्या ना हो, टी आई आर फॉलो ना हो। तो इसको फॉलो कराने के लिए हम एक क्लैडिंग लेते हैं जो कि इसके चारों तरफ से कवर करे रखता है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इससे कम होता है, जो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है। अगर रेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा तो यहां पर हमें पता है कि टी आई आर कब फॉलो होगा, जब रे डेंसर से किसमें जाएगी, रेयर में जाएगी, और यहां पर टकराकर वापस टी आई आर को फॉलो करती हुई आगे प्रोपोगेट करेगी। तो सीधी आएगी टी आई आर को फॉलो करेगी, आएगी जाएगी टी आई आर को फॉलो करेगी आगे को। इस तरह से सिग्नल को हम विद मिनिमम लॉस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। लॉस भी होते हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि लॉस किस टाइप के होते हैं इसमें। तो दिस इज द क्लैडिंग। तो आप क्या क्लैडिंग को लिखोगे, तो क्लैडिंग में क्या लिखोगे, इट इज द मेटेरियल विच कवर द कोर, इट इज द मेटेरियल विच कवर द कोर, इट इज मेड ऑफ पॉलीमर्स। किसका बना होता है, ये पॉलीमर्स का होता है। इसकी हाँ एक चीज रहेगी, इसकी डायमीटर कितनी होती है, इसकी डायमीटर, इसकी डायमीटर जो होती है वो होती है 100 to 125 माइक्रोमीटर, हुज डायमीटर इज 100 to 125 माइक्रोमीटर। क्लियर है? इट ये क्या करता है, एंड इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज N2, ठीक है भाई, विच इज ऑलवेज लेस देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, दैट इज N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। तो ये आपका क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया। एक बार फिर से डिस्कस करता हूं मैं, लिख लीजिए लिखने के लिए। क्लैडिंग क्या है, इट इज द मेटीरियल विच कवर द कोर, इट इज मेड ऑफ पॉलीमर्स, इट हेल्प द कोर टू फॉलो द टी आई आर। किसमें हेल्प करता है, कोर को हेल्प करता है टी आई आर फॉलो करने में। इट हेल्प द कोर टू फॉलो द टी आई आर, ठीक है। इट इज मेड ऑफ पॉलीमर हुज डायमीटर इज 100 to 125 माइक्रोमीटर। क्लियर है भाई? इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज N2, इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज N2 विच इज ऑलवेज लेस देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर N1, ठीक है भाई। That is N1 greater than N2, या फिर that is N2 less than N1, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो ये आपका क्लैडिंग हो गया। अब एक थर्ड पार्ट आया इसका, सीथ या जैकेट। ये क्या करता है, इसका काम बस इतना है कि जो एटमोस्फेरिक इफेक्ट है, मॉइस्चर है, बरसात हो रही है, मॉइस्चर है ना, उनसे क्या कर रहा है, इसकी प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है। क्या करता है ये, इसको खाली प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रेंथ करता है। स्ट्रेंथ देता है और इनकी क्या करता है, बाहर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है, मॉइस्चर है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है, उन सब से इनको, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। और इसकी डायमीटर, अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर जो होती है वो होती है 150 माइक्रोमीटर। कितनी डायमीटर होती है इसकी, 150 माइक्रोमीटर। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या कहलाती है, फाइबर ऑप्टिक्स। ये इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये इस तरह से बिल्कुल बराबर उसका बना देंगे यहां पर, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से होगी ना, ठीक है, इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। मेन क्या है इसका, मेन तो आपका कोर और क्लैडिंग है। जैकेट का काम क्या है, जैकेट का काम, सीट का काम क्या है कि सिर्फ एनवायरमेंटल इफेक्ट से इसको ही प्रोटेक्ट करता है। तो सीट में लिखे, सीट में क्या लिखोगे आप, हेडिंग डालेंगे सीट और जैकेट लिखेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स विच गिव्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल इफेक्ट। क्या करता है, इट गिव्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम
एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड गेव स्ट्रेंथ फॉर ऑप्टिकल फाइबर एंड गेव स्ट्रेंथ फॉर ऑप्टिकल फाइबर इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक हुज डायमीटर इज 150 माइक्रोमीटर. तो ये आपका था अबाउट अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स. तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया कि कोर हमने कैसे लिए, क्लैडिंग हमने क्या लिया और जैकेट का क्या काम है. तो ये फाइबर ऑप्टिक्स पर दो नंबर में कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफाइन फाइबर ऑप्टिक्स या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स. TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस किया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होना चाहिए कि रे हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में चाहिए. उसके लिए हमने क्या बना दिया, कोर को डेंसर और क्लैडिंग को रेयर मीडियम बना दिया. दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा कितना होना चाहिए, या तो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर अगर ये लाइट आई, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो लाइट इसमें प्रोपोगेट करेगी, फिर भी लाइट क्या करेगी आगे जाएगी, कोई भी लॉस नहीं होगा इस सिग्नल के थ्रू. और टी एफ इससे थीटा सी और एक सिग्नल आ रहा है जो कि थीटा सी से बड़े एंगल से ग्रेटर देन थीटा सी है ये एंगल, तो लाइट ऐसे इसमें प्रोपोगेट करेगी. तो ये हमारा क्या था अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स था जो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट में हम जो इसकी प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन मैकेनिज्म है लाइट की थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.